हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बहुत ही सुहानी सी है आज की सुबह, बहुत अच्छा मौसम और पहाड़ों पे तैरते हुए ये बादल। एक गुड न्यूज़ है जो हमारे घर की लक्ष्मी देंगी आपको। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके साथ में शेयर करने वाले हमारे फैमिली के कुछ मोमेंट्स, हमारे बच्चे की शैतानियाँ और आपके लिए कुछ स्पेशल चीज है हमारी नई शॉर्ट फिल्म जो कि हम इसी हफ्ते रिलीज करने वाले हैं हमारे दूसरे चैनल में। जी हाँ, ये है हमारा नया चैनल जिस पे हम अपने प्रोडक्शन हाउस की बनी हुई वेब सीरीज और शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस करने वाले हैं और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये है हमारी पहली शॉर्ट फिल्म इजी वे आउट का पोस्टर और ये इस वीक में रिलीज होने वाली है। उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और अगर आप भी पार्ट बनना चाहते हैं हमारे प्रोडक्शन टीम का, राइटिंग का या एक्टिंग का, तो हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है हमारे नए चैनल का लिंक और हमारा ईमेल आईडी। खैर, आमों का मौसम आ गया है और चारों तरफ से आम के रूप में प्यार आ रहा है हमारे घर। ये आम हमारे मित्र हैं श्याम जी, उनका फार्म हाउस है नायगांव में, तो उन्होंने बड़े प्यार से भेजे हैं। दो दिन से हम लोग इनको पका रहे हैं और अभी हमारी बातें सुन सुन के पक चुके हैं, तो हम इन्हें खाने वाले हैं क्योंकि मुझे लगता है अब ये मीठे हो गए हैं। तो एक काट के ट्राई करेंगे फिर खाएंगे। शिवांशु को तो बहुत ही पसंद है आम। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, हमारी बच्ची को आम से बहुत प्यार है, बिल्कुल उसके माँ बाप की तरह। और ये कुछ आम हमने काट के रखे थे जिनको देख के वो अपने आप पर काबू नहीं रख पा रही थी। बच्चों को बहुत ज़्यादा आम नहीं खिला सकते क्योंकि वो पेट में उनके गर्मी करते हैं और बड़े लोग मना करते हैं ज़्यादा आम खिलाने के लिए, बट तब भी हम थोड़ा बहुत खिला देते हैं रोज़ शिवांशी को। खैर, कुछ मित्र आए थे हमारे जो कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए दूर से ही मिल लिया हमसे और बुरा लग रहा था, लेकिन कुछ इसी तरह आजकल एक दूसरे को सेफ रखने के लिए हमें करना पड़ रहा है और स्पेशली हमारी छोटी बच्ची की सेफ्टी के लिए हमें करना पड़ता है ये। बाय करते बाय। ये हमारी टीम के कुछ सदस्य हैं, हम लोगों ने ही मिलकर ये चैनल शुरू किया है, तो हमारी शॉर्ट फिल्म जरूर देखिएगा और हमारे साथ जुड़ जाइएगा। बुम 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 बुम। जिन जिन को लगता है कि शिवांशी बहुत सीधी साधी है वो देख ले जरा। सब लोग हमसे कहते थे कि जब ये चलना शुरू करेगी तो तुम लोगों को बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलेगा और तुम्हें हमेशा इस पे नज़र रखनी होगी। हमें उसका ट्रेलर दिखने लगा है क्योंकि अभी से ही ये बहुत चंचल हो गई है। और ये इसकी स्पेशल अपीयरेंस है, ये है कानून का हाथ। जब भी हम कुछ खा रहे होते हैं, हम किसी भी कोने में जाके बैठ के खाएं, ये हाथ वहाँ पहुँच ही जाता है। बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि एक दो बार ऐसा हो चुका है कि गरम खाने की तरफ इसने हाथ बढ़ाया था, तो लकीली कुछ हुआ नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन हम लोग बहुत बचकर अब ये सब करते हैं। हमारी छोटी सी बत्तख ने ये एक नया तरीका निकाला पानी पीने का इसके सिपर से। नई नई हरकतें करते रहते हैं बच्चे, बड़ा मजा आता है ये सब देखकर। यह शिवांशी का एक्सरसाइज टाइम। जब हम लोग वर्कआउट कर रहे होते हैं बालकनी में, तब ये भी कुछ इस तरह वर्कआउट करती है, इधर उधर चीजों का सहारा लेकर खड़ी हो जाती है। आज घर में काफी काम हो चुका था और हम दोनों ही थके हुए थे, तो हमने ना चाहते हुए भी कुछ ऑर्डर किया और बाहर से मंगाया खाने के लिए। और शिवांशी हमेशा की तरह अपने अटैकिंग मोड में रेडी थी। शिवांशी को ऑर्डर खाना है। अब उसको हम बाहर का खिला तो नहीं सकते, इसलिए हमें उससे बचा के रखना पड़ा ये सब। सब खाना है शिवांशी? अरे बाप, अरे अरे दो मिनट तो रुक जाओ। क्या है उसमें पता है? दांत तो है नहीं, खाओगी कैसे? अब तो बचाओ मुझसे कैसे बचाओगे, अब बचाओ मुझसे कैसे बचाओगे। शिवांशी को हमने खाने के लिए नहीं दिया है, तो क्या खा रही है? पिकाचू।
पिकाचू नहीं खाया? शिवांशी पिकाचू आ रही है? क्यों क्यों? बच गया पिकाचू, पिकाचू की जान बच गई। जमीन में पड़ा पड़ा लंबी लंबी सांसें ले रहा है। शिवांशी ये क्या खा रही हो? मतलब तुम्हें बर्गर नहीं दिया तो तुम ये खाओगी? क्यों? शिवांशी पिकाचू खा रही है। बेचारे को आप मुझे नहीं दोगे बर्गर तो मैं ये पिकाचू खा जाऊंगी। मम्मी डैडी से भी रोज़ बात होती है और वो वीडियो कॉल पे इसकी शैतानियाँ देखते हैं। उन्हें बड़ा अच्छा लगता है जब ये खड़ी होती है और ये हमारे साथ खेलती है, कभी मेरे बाल खींचती है, कभी गोद में आके बैठ जाती है। खैर ये सब ख़त्म हो तो जल्दी से मम्मी पापा यहाँ आने वाले हैं हम लोगों के पास, क्योंकि मुंबई आए उन्हें काफ़ी समय हो गया है और हम तो वडोदरा हो आए थे, लेकिन उसके बाद से ही सब लोग हमें याद कर रहे हैं। तो होपफुली बहुत जल्द मम्मी पापा भैया भाभी बच्चे सब लोग आपको मुंबई में दिखाई देंगे, बट पहले ये सब ख़त्म हो जाए, चीज़ें नॉर्मल हो जाएं। आई होप आप सभी ने वैक्सीन लेना शुरू कर दिया होगा, अगर नहीं लिया है तो जल्दी से रजिस्टर करें, वैक्सीन लें और बस जल्द से जल्द हम इस बीमारी के चंगुल से बाहर आते हैं सब लोग। इस वायरस को अब मौका नहीं देना है किसी को भी अपनी गिरफ्त में लेने का। इसी अच्छे नोट के साथ मैं आप सब से इजाज़त चाहूँगा। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसा कि मैंने कहा, आपने यहाँ भी हम लोगों को प्यार दिया है, हमारे नए चैनल पर भी हमें प्यार दें, हमारे साथ जुड़ें, हम आपकी कहानियों को भी वेब सीरीज और शॉर्ट फिल्म्स में लाने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिए अपना।